मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए जाने से नाराज कांग्रेसी पिछले दो दिनों से डमी विधानसभा का सत्र चला रहे हैं। इस दौरान वे काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। डमी विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन था। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सरकार पर जमकर हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए। रेत खनन को लेकर अजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए मंत्री रामपाल और विजयपाल को लिप्त बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है। मेरे पास सबूत हैं, एमपी ऑनलाइन ई टेंडरिंग में भी करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। आज का अंतिम सत्र था और इस अंतिम सत्र में चाहे रेत अवैध उत्खनन की बात हो, चाहे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में घोटाले की बात हो जमीन की, चाहे व्यापम का मुद्दा आया हो, चाहे सिंघस घोटाले की बात हो, और एक चीज मैं कहना भूल गया, आप शायद लोगों को मालूम हो या ना हो, पूरे मध्य प्रदेश में जहां बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो तो पूरे मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय एक पुणे के कंपनी को सौंप दिया गया है। आज रोजगार कार्यालय कोई अधिकारी नहीं चला रहा, वो पुणे का कंपनी संचालित कर रही है। जब आप इस तरह से घोटाला करने जा रहे हैं तो आप क्या बताएं। मैं ई टेंडरिंग घोटाले की बात कही, एमपी ऑनलाइन की बात हुई और अनेक बिंदु, चाहे पीडब्ल्यूडी में घोटाले की बात हो, चाहे समदड़िया बिल्डर के रीवा की जमीन की बात हो, कुछ ऐसे मंत्री हैं, चाहे वो राजेंद्र शुक्ल जी हो, चाहे सुरेंद्र पटवा जी हो, चाहे संजय पाठक हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, ये चाहे रामपाल हो, ये सब दुधारू गैया हैं हमारे शिवराज भैया के, और इन्हीं की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में लूट खसोट हो रही है। और आज सर्वे जो आया है, शिवराज सिंह जी बड़े चिंतित हैं कि 100 से ज़्यादा विधायकों नैया डगमगा रही है, तो भैया आप कहाँ से 200 पार, जब आपके वर्तमान विधायक की 100 जा रहे हैं तो 200 पार कहाँ का सपना देख रहे हो मुरारी लाल। मैं प्रदेश की जनता की तरफ से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की बात आपने यहाँ नहीं सुनी, हमारी भावनाएं अब प्रदेश की जनता गांव कस्बे में जाएंगी और ये मुद्दे जीवित रहेंगे जब तक शिवराज सिंह जी जैत नहीं चले जाएंगे। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन आकाश परागी के साथ राम पवार की रिपोर्ट।